Hello children, good morning. How are you all? Fine. Are you studying or not? Studying. Very good. Did you complete yesterday's homework? Yes, very good. Okay. Today, we are going to revise the small letters G to K. Okay? अभी हम स्मॉल लेटर्स ओके जी से लेके के तक रिवाइज करेंगे ओके जो हमने पहले के वीडियो में याद किया था वो आज हम रिवाइज करेंगे ओके स्टूडेंट्स आपको आपका फोर लाइन की नोटबुक निकालना और पेंसिल हाथ में ले लो आप और बुक ओपन करो देखो मिस के साथ साथ आपको भी लिखना है ओके स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट देखो फर्स्ट लेटर ओके आज हम कौन सा लेटर लिखेंगे पहले जी ओके जी से के तक लिखेंगे पहले कौन सा लेटर लिखेंगे जी ओके जी कैसे लिखना है देखो बोर्ड पर देखो जी कैसे लिखना है देखो ऐसे ध्यान रखना देखो बीच की ये दो लाइन है ना दोनों लाइन में मिला के लिखना है ओके स्टूडेंट्स देखो ऐसा कर्व बनाना है फिर क्या करना है इसको ऊपर देखो ऊपर लेके जाना फिर ऊपर से नीचे देखो इधर छोटा सा कर्व बनाना है ये क्या बन गया स्मॉल लेटर जी ओके दिस इज स्मॉल लेटर जी ओके गॉट इट समझ में आया है क्या आप लिखो इसके साथ साथ लिखो देखो कर्व बनाना है इसको इधर जॉइन करके देखो नीचे तक लेके आना इधर कर्व बनाना देखो दिस इज स्मॉल लेटर जी ओके जी फॉर ग्रेप्स देखो कैसे लिखना है ध्यान से देखे लिखो दिस इज स्मॉल लेटर जी ओके समझ में आया सबको नेक्स्ट आप बोलो जी के बाद कौन सा लेटर आता है डू यू नो विच लेटर कम्स आफ्टर जी जी के बाद कौन सा लेटर आता है एच आता है एच फॉर हेन ओके एच कैसे लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन वेरी गुड देखो स्टैंडिंग लाइन बना लिया फिर क्या करना हाँ इधर से फिर ऊपर ले जाना इसको देखो इधर से फिर ऊपर जाना अपन को देखो तो क्या करना इधर कर्व बनाना है ओके दिस इज एच देखो एच कैसे लिखना है स्टैंडिंग लाइन बनाना फिर क्या करना हाँ ये नीचे से ऊपर आना है फिर से देखो आके इधर ये सेकेंड लाइन में कर्व बनाना देखो दिस इज एच ओके स्मॉल लेटर एच एच फॉर हेन एच फॉर हेन ओके समझ में आया है क्या एच कैसे लिखना है देन नेक्स्ट आई ओके आई आई कैसे लिखेंगे हाँ छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनाना देन हाँ वन डॉट लगाना डॉट कहाँ लगाना है ऊपर वेरी गुड देखो छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बना लिया फिर क्या करना हाँ इधर एक डॉट लगाना है ये क्या है व्हाट इज दिस विच लेटर इज दिस दिस इज स्मॉल लेटर आई ओके विच लेटर इज दिस दिस इज स्मॉल लेटर आई ओके स्टूडेंट्स लिखो इसके साथ साथ आप आपको भी लिखना है ओके दिस इज स्मॉल लेटर आई समझ में आया देन नेक्स्ट बोलो आप आई के बाद कौन सा लेटर आता है जी एच आई जे वेरी गुड जे कैसे लिखना है स्लीपिंग लाइन नहीं बनाना है देखो कैपिटल
जे लिखने के लिए हम पहले स्लीपिंग लाइन बनाते हैं, ओके। स्मॉल लेटर जे में क्या करना है, स्लीपिंग लाइन नहीं बनाना है। देखो जे कैसे लिखेंगे, सेकंड लाइन से स्टार्ट करना, ओके। देखो स्टैंडिंग लाइन बनाना, बना के इधर कर्व, देखो इधर मोड़ना है, देखो आई जैसे इधर भी डॉट लगाना है, ओके। दिस इज जे, ओके, दिस इज जे। जे देखो ऐसे लिखना, फिर क्या करना, आई जैसे देखो आई का ऊपर देखो डॉट लगाया है ना, वैसे जे के ऊपर भी डॉट लगाना है, ओके स्टूडेंट्स। लिखो आप स्मॉल लेटर जे, ओके। विच लेटर इज दिस, दिस इज स्मॉल लेटर जे, ओके। समझ में आया है क्या, दिस इज स्मॉल लेटर जे। देन नेक्स्ट विच लेटर कम्स आफ्टर जे, जे के बाद कौन सा लेटर आता है, के आता है, जे के बाद कौन सा लेटर आता है, के आता है, ओके। के कैसे लिखेंगे, देखो इधर साहब स्टैंडिंग लाइन बनाना, फिर देखो छोटा सा स्लैंटिंग लाइन, देखो दोनों तरफ से बनाना है, ऊपर सेकंड लाइन से भी है, थर्ड लाइन से भी है, देखो ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाना है। फिर इधर देखो ये पॉइंट है ना, इधर तक बनाना, देखो स्लैंटिंग लाइन, देखो जैसे, समझ में आया, दिस इज स्मॉल लेटर के, ओके। समझ में आया है क्या, नाउ वी विल रीड टुगेदर, ओके। अभी हम रीड करेंगे, ओके बोलो सब, जी एच आई जे के, ओके। वंस अगेन, जी एच आई जे के, ओके। जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हॉर्स, आई फॉर इंक पॉट, जे फॉर जॉकर, के फॉर की, ओके। समझ में आया है क्या, ये आपको फोर लाइन की बुक में लिखना है। देखो अभी आप जो बुक में लिख रहे हैं ना, वो बुक में, नोटबुक में ये लिखना है आपको, होमवर्क लिखना, ओके स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 76, ओके। और बेडी बुक में भी आपको करना है, देखो बेडी बुक में आपको पेज नंबर 8 देखना, देखो सेकेंड सेमेस्टर का बुक है और लेसन 16, देखो लेसन 16 है और पेज नंबर 8, ओके। ये देखो ये वाला पेज, पी वाला पेज निकालना है आपको, देखो इधर तक हमने कंप्लीट किया था। और आज आपको बेडी बुक में लिखना है दिस वन, देखो दीज टू पेजेस लिखना है, ओके। ये दोनों पेज आपको कंप्लीट करना है। ये देखो इधर कैपिटल लेटर दिया है और नीचे स्मॉल लेटर भी है पी, ओके। कैपिटल लेटर पी एंड स्मॉल लेटर पी, और इधर भी है, देखो दिस इज कैपिटल लेटर एंड दिस इज स्मॉल लेटर, ओके। एंड यू हैव टू कंप्लीट दीज टू पेजेस, ओके स्टूडेंट्स। और ये वाला पेज आपको नहीं करना है, ओके। डोंट राइट दिस पेज, ओके। ये पेज पर आपको लिखना नहीं है, आपको 8 और 9 नंबर पेज लिखना है, देखो दीज टू पेजेस। समझ में आया है क्या, कैपिटल लेटर पी और स्मॉल लेटर पी दिया हुआ है, ओके स्टूडेंट्स। आपको ये होमवर्क करना आज, ओके। एंड दिस वर्ड डोंट राइट दिस पेज, ओके। दिस वर्ड आई विल टीच यू नेक्स्ट वीडियो, ओके स्टूडेंट्स।